हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर पर बैठे बैठे अपने टैली डाटा को अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोविड के इस टाइम पे काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं या फिर काफ़ी सारे टैली यूजर्स ऐसे हैं जो टैली सॉफ्टवेयर पर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं घर पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिना टैली डाटा को शिफ्ट किए हुए आप घर पर ही टैली में वर्किंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा टैली के एक एडवांस फीचर के बारे में और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे ही, और अपने टैली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एंट्रीज कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट है, कोई बिल है, तो आप वो घर पर बैठे ही बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, चलते हैं टैली पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आज इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आज मैं जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा ये टैली प्राइम के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि टैली प्राइम में आपको रिमोट एक्सेस की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने अपना टैली ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, टैली ओपन करने के बाद आपको जिस भी कंपनी में आप रिमोट एक्सेस देना चाहते हो, रिमोटली देना चाहते हो, तो उस कंपनी में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए वो कंपनी आपको ओपन करनी है और इस कंपनी में आपको सिक्योरिटी का यूजर आईडी, एडमिन लेवल सिक्योरिटी आपको यहाँ पर लगानी है। तो पहले स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस के, तो ऑल्ट के मैंने प्रेस किया है, तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी के पास ऑल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी हुई है और उस कस्टमर ने या फिर उस यूजर ने किससे, वो यूजर से लॉगिन कर रहा है, तो वहां पर ऑल्टर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए या तो आपको एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है फर्स्ट, और अगर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है तो ऑल्टर का ऑप्शन वहां पर आएगा। तो ऑल्टर में फ्रेंड्स, अगर कोई कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है तो आपको ऑल्टर पर यहाँ पर एंटर करना है। और राइट हैंड साइड में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास आता है सिक्योरिटी का ऑप्शन। अब काफी सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी को इनेबल कर रहे होंगे तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास तीसरा ऑप्शन आएगा, यूजर एक्सेस कंट्रोल। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, यस करके आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी को, ये यूजर कंट्रोल का ऑप्शन को यस कर दिया है और मैंने यहाँ पर एडमिन के लिए एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 11 डालकर ये बना दिया, एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट पहला स्टेप कि किस तरीके से मैंने पहले स्टेप में क्या किया है। पहले स्टेप में मैंने कंपनी में क्या किया है, कंपनी में एडमिन लेवल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के फीचर, यूजर लेवल सिक्योरिटी को ऑन कर दिया। ठीक है, अब आ जाता है मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आपको F11 की शॉर्टकट की प्रेस करनी है। तो देखिए, जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा तो राइट हैंड साइड में मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक्सेस। तो ऑनलाइन एक्सेस में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एक्सेस में आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट। देखिए, अगर आप खाली रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर टैली में तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्रीज भी पास करनी है, एंट्री भी आप पास कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इनेबल टेलीनेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो इस ऑप्शन को फ्रेंड्स आपको यस करना है और एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। दो स्टेप फ्रेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। पहला स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको एक यूजर आईडी सिक्योर, एक बेसिकली वहां पर एडमिन लेवल सिक्योरिटी इनेबल करनी है। दूसरा जो स्टेप है उसमें मैंने आपको बताया कि आपको F11 से फीचर को ऑन करना है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप के लिए अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, कंपनी में ऑल्ट के प्रेस करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, यूजर एंड पासवर्ड पे यूजर रोल, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है यूजर रोल। यूजर रोल का मीनिंग यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यूजर रोल का यहाँ पर मीनिंग है कि जो आप यूजर को राइट दे रहे हैं, किस यूजर को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को राइट दे रहे हैं, टेलीनेट यूजर को दे रहे हैं, ऑडिटर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूजर रोल पर एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि जो आपका अकाउंटेंट है या फिर डाटा, जो आपके यहाँ पर डाटा परचेज का डाटा चढ़ाता है, सेल के डाटा एंट्री करते हैं, उनको अगर आप राइट देना चाहते हैं तो वो राइट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मैं दे रहा हूँ टेलीनेट यूजर्स के लिए दे रहा हूँ, तो टेलीनेट यूजर के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ओपन किया है और यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ, मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर टेलीनेट यूजर। मैं यहाँ पर टेलीनेट यूजर के लिए सभी राइट्स दे रहा हूँ अभी, एंटर करके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा।
तो फ्रेंड्स ये था आपका तीसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप में मैंने क्या किया, एक जो टेलीनेट यूजर था वहां पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। फ्रेंड्स अब आता है आपका फोर्थ स्टेप, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। तो यहां पर फोर्थ स्टेप के लिए भी ऑल्ट के प्रेस करूंगा। ऑल्ट के प्रेस करने के बाद देखिए यहां पर मेरे पास आ रहा है यूजर एंड पासवर्ड। अभी फ्रेंड्स जो मैंने यूजर रोल दिया था, अब मैं उसको क्या करूंगा, यूजर और पासवर्ड दूंगा। तो यूजर एंड पासवर्ड में आप एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे टैली पूछेगा कि किसका रोल आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दिया है कि टैली नेट यूजर के लिए। अगर आप टैली डाटा, जैसे आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डालना चाहते हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैली नेट यूजर ले लेता हूँ। टैली नेट यूजर लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो मेरी मेल आईडीज है, यूजर की मेल जो मेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे यहाँ पर vasu@softtech.in ले लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स टैली आपसे पूछेगा कि आप क्या ब्राउजर एक्सेस देना चाहते हैं, रिमोट एक्सेस देना चाहते हैं, अलाउ टीडीएल के लिए भी देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने रिमोट एक्सेस के ऑप्शन को यस कर दिया है। फ्रेंड्स रिमोट एक्सेस का ऑप्शन आपका तभी यस होगा जब आपने F11 से, वो F11 में मैंने आपको बताया था ना सेकंड स्टेप में, F11 से वो आपको फीचर ऑन होना चाहिए, तभी आपका जो कर्सर है यहाँ पर रिमोट एक्सेस पर जाएगा। एंटर एंटर। फ्रेंड्स ये मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब बच गया है मेरा लास्ट, खाली मेरे को कंपनी क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऑल्ट के, दोबारा से ऑल्ट के प्रेस करूंगा और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन कनेक्ट, वो आप टैली आपसे पूछेगा कि कौन सा कंपनी आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए C1 का यहाँ पर मेरे पास आ गया है। ये फ्रेंड्स ये मेरे जो स्टेप थे ये सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं इस डाटा को दूसरी जगह पर एक्सेस करना चाहता हूँ जहां पर मेरा कोई भी टैली जो लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिस्टम रिमोट पर ले लिया है, एनी डेस्क में यहाँ पर अपना ओपन कर लेता हूँ। मैं टैली यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा लाइसेंस नहीं है तो मेरे को दिखा रहा है कि भैया आप एजुकेशन मोड पे चलाना चाहते हो, रीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एजुकेशन मोड सेलेक्ट करूंगा। एजुकेशन मोड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी कंपनी से रिफ्लेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट रिमोट कंपनी, रिमोट कंपनी पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के पास वो आपसे आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड बेसिकली कहाँ, आईडी कौन सी होगी जो आपने वहां पर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर वहां पर डाली थी। तो मैं यहाँ पर देखिए एंट्री करूंगा vasu@softtech.in मैंने यहाँ पर डाल दिया, और मैंने पासवर्ड जो मेरे पास आया था मैंने वो डाल दिया। फ्रेंड्स देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाला है तो मेरे को दिखा रहा है कि ऑनलाइन के लिए यहाँ पर एक कंपनी है सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस। देखिए सीरियल नंबर भी मेरे को आगे उसके दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये कंपनी देखिए मेरी रिमोटली कनेक्ट हो चुकी है। अभी मेरी कंपनी यहाँ पर रिमोटली कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर अगर कोई एंट्री पास करना चाहता हूँ तो मैं एंट्री पास कर सकता हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से एंट्री पास कर रहा हूँ। सपोज कीजिए पेमेंट का कोई एंट्री है, मैंने कैश से पेमेंट कर दिया है। कोई भी पार्टी में यहाँ पर ले लेता हूँ, 1000 रुपीज या 10000 रुपीज का अगेंस्ट मैंने डाल दिया है। ऑन अकाउंट ले लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। स्पीड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिमोट लॉगिन में देखिए स्पीड आपकी आ रही है। और ये एंट्री फ्रेंड्स मेरी पास हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए रिमोट यूजर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको आईडी दिखाएगा कि किस आईडी से आपने लॉगिन किया है, और कितने, यहाँ देखिए रिमोट लॉगिन टाइम भी आपको दिखाएगा यहाँ पर, और माय लास्ट लॉगिन टाइम भी, ड्यूरेशन भी उसका आपको दिखाएगा कि लास्ट लॉगिन आपने कब किया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, इस सिंपल तरीके से और इस टैली के एक एडवांस फीचर से आप क्या कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे ही आप अपने, अगर ऑफिस ऑफिस में अगर कोई है तो वो सिस्टम को ऑन कर सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, वहां पर घर पर ही बैठे बैठे एंट्रीज कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट आपको चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। किसी पार्टी से अगर कोई पैसा आ रहा है तो उसके आप एंट्रीज यहाँ पर पास कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स ये एनी डेस्क में क्लोज कर देता हूँ। और ये देखिए मेन डाटा, मेन डाटा भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर मेरा लाइसेंस इंस्टॉल है।
अभी देखिए अगर मैं डे बुक पे जाऊंगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए 10,000 रुपए की एंट्री मेरी यहाँ पर आ चुकी है, जो मैंने रिमोटली वहां पर एंटर की थी। तो फ्रेंड्स ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर लिखें। अगर ये फीचर आपको इनेबल करवाना है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर आ रहा है उसमें आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको रिमोट एक्सेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप हमको बता सकते हैं, इसके जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो जितने भी आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।